दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, फ्री फायर कम्युनिटी के लिसेंट यूट्यूबर स्काईलॉर्ड भाई की डेथ हो चुकी है बाइक एक्सीडेंट में, और उनका जो भी है मतलब पोस्टमार्टम होना बाकी था, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है, यहाँ पे रोमियो गेवर ने अपडेट भी दिया कि क्या कुछ हो रहा है, कि वो वहाँ पे इंदौर पहुँच चुके हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में इसको यहाँ पर बताया है। इंदौर के लिए वो निकले थे सुबह ही, मतलब 7-8 बजे ही, और इंदौर पहुँच भी गए थे दोपहर के 11 बजे, और इंदौर पहुँच कर उन्होंने एक स्टोरी लगाया, वो आप देख लो यहाँ पर। सो गाइस, जितने भी बंदे अभी इंदौर के लिए आ रहे हो तो प्लीज़ अभी मत आओ स्काईलॉर्ड के लिए। जितने भी यूट्यूबर थे या कोई भी जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो आ रहे हो, यानी सब्सक्राइबर लोग जो भी आ रहे हो, तो प्लीज़ इंदौर मत आना, क्योंकि इंदौर आके आपका टाइम वेस्ट होगा। जो भी अभी एड्रेस उसका वायरल हो रहा है, जो E2 करके रेडियो कॉलोनी है, ठीक है, वहाँ पर उसका कोई भी नहीं रहता है, उसके मामी मामा वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर आना है किसी को भी, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई अपना सब्सक्राइबर भाई लोग हो, आप लोग आना सीधा भोपाल, ठीक है। भोपाल पे आके मेरे को DM कर देना, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एड्रेस बता दूंगा कि कहाँ पर आपको आना है, क्योंकि यहाँ से इंदौर से भोपाल अभी बहुत ज़्यादा दूर है, और भोपाल के बाद भी जिस लोकेशन पर जाना है वहाँ पर फ्लाइट वगैरह कोई भी नहीं जाता है, ट्रेन वगैरह भी नहीं जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लोकल कन्वेंस करके जाना पड़ेगा, वो भी भोपाल से काफ़ी दूर है, तो आपको कम से कम नहीं भी 10-12 घंटे लगने वाले हैं अगर आप लोग यहाँ से इंदौर से भोपाल जाते हो तो, ठीक है। अभी मैं इंदौर दोस्तों, जैसे कि आपने रोमियो गेमर के अपडेट में देखा कि जितने बंदे यहाँ पर इंदौर के लिए जा रहे हैं, भाई इंदौर के लिए मत जाना, क्योंकि उनका जो होम टाउन वो यहाँ पर भोपाल है, और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, ठीक है ना। भोपाल में गांव है जहाँ पे इनका होम टाउन है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप पहुँच सकते हो।